दिव्य तेजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजनी सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान। अंत होगा पिताश्री, उस वनवासी राम का अंत होगा। आज मेघनाथ को कोई दुर्बल नहीं कर सकता, कोई भी मेघनाथ को मोहग्रस्त नहीं कर सकता, आज कोई भी नहीं। प्रभु यदि आप मुझे आदेश दें तो मैं युद्ध के प्रथम चरण में ही उस दुराचारी का वध कर दूं। शीघ्रता कीजिए प्रभु, मेघनाथ हमारे लिए संकट बन गया है, उसे आप ही रोक सकते हैं प्रभु। यदि मेघनाथ का वध लक्ष्मण नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं कर सकता ऋतराज। इस रहस्य को आप भी जानते हैं। किंतु वो सौमित्रे को छल से जीतना चाहता है प्रभु। किसी छल से नहीं बल्कि अपनी सिद्धियों के कारण ही वो अपने बल का प्रदर्शन कर रहा है। अपनी उसी शक्तियों के बल पे उसने साक्षात देवराज इंद्र को परास्त किया था। नारायण नारायण, किस चिंता में डूबे हैं देवराज इंद्र? क्या सोचना है महर्षि? क्या मेघनाथ अभी भी जीवित है? नारायण नारायण, मेघनाथ को भला कौन मार सकता है? उसके सामने श्री राम की सेना बिखरी जा रही है, कोई भी महाबली उसे रोक नहीं सका है अभी तक। अनर्थ, घोर अनर्थ। यदि मेघनाथ का अंत नहीं हुआ तो इंद्रलोक संकट में पड़ जाएगा। हमारे इंद्रलोक पर उसकी दृष्टि है, हमें चुनौती दी है उसने, आज भी वो दृश्य हमारी आंखों में शूल की तरह चुभ रहा है। जब उसने हम पर आक्रमण किया था, हम जानते हैं जब तक वो जीवित है भूलोक क्या देवलोक भी सुरक्षित नहीं है। नारायण नारायण, देवराज ये अवसर तो आपने ही उसे दिया। हमारा उपहास ना करें देव ऋषि, यदि वो जीवित बच गया तो देवलोक का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। नारायण नारायण, मेघनाथ को भला कौन मार सकता है? उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त किया है। कहना क्या चाहते हैं देव ऋषि? क्या उसके अंत का कोई उपाय नहीं है? उपाय है, लेकिन इसके लिए कुमार कार्तिक के पास जाना होगा। उन्हें प्रसन्न करके नाग कुनीर और दिव्य धनुष प्राप्त करना होगा और उसे प्रभु श्री राम को देना होगा, तभी प्रभु श्री राम मेघनाथ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्या कुमार कार्तिक हम पर इतनी कृपा करेंगे? स्वयं भगवान शिव ने मेघनाथ पर कृपा की है। महादेव भले ही अपने महान भक्त रावण का पक्ष ले, परंतु माता पार्वती तो प्रसन्न हो ही सकती है। यदि माता पार्वती प्रसन्न हो गई तो अपना कार्य सरल हो जाएगा। हमें देवाधिदेव महादेव और कुमार कार्तिक के पास जाने में कोई संकोच नहीं है। उस दुसाहसी मेघनाथ के वध के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। नारायण नारायण, कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है देवेंद्र।
सत्य तो यह है कि मेघनाथ नाग सिद्ध अक्षय तुनीर और दिव्य शस्त्रों का स्वामी है। उसे उसने साक्षात महादेव को प्रसन्न करके प्राप्त किया है। जब तक श्री राम के पास नाग सिद्ध अक्षय तुनीर और दिव्य शस्त्र नहीं होगा, तब तक मेघनाथ पर विजय करना संभव नहीं होगा। वो किसी भी महाबलशाली को अपने नागपाश में बांध सकता है। अच्छा देवेंद्र, अब मैं चलता हूँ, शेष आपकी इच्छा। नारायण नारायण। हमें वो अक्षय तुनीर और नागपाश प्राप्त करना ही होगा। हाँ, प्राप्त करना ही होगा। संकट मोचन जय हनुमान। मुझे वरदान दीजिए कि संसार की कोई भी शक्ति मेघनाथ के समक्ष टिक ना सके। वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। तथास्तु। आज से तुम इंद्रजीत के नाम से जाने जाओगे। आश्चर्य, महादेव अपनी साधना स्थल पर नहीं, कहां जा सकते हैं? महादेव, महादेव, हे शिव शंभु, हे भोलेनाथ, कहाँ हैं आप? कहाँ हैं? कदाचित देवी पार्वती अपने क्षेत्र में हो। महादेव, महादेव, कहाँ हैं आप? महादेव, 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 ठहरिए देवराज। नंदी तुम? महादेव और देवी पार्वती कहाँ है? क्षमा कीजिए देवराज, आप इस समय महादेव से नहीं मिल सकते। इस समय वो एकांत साधना में व्यस्त हैं। यदि आपको कोई आवश्यक कार्य हो तो आप देवी पार्वती को सूचना दे सकते हैं। ठीक है, हमें देवी पार्वती तक ले चलो। आइए देवराज, आइए। माते, इस समय कैलाश में देवराज इंद्र, लगता है कोई आवश्यक कार्य। हमें भयमुक्त करें अंबे, हमें भयमुक्त करें। आपकी सहायता के बिना देवलोकों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। आप स्वयं साक्षात देवराज इंद्र हैं, भला मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? देवी, देवद्रोही रावण और उसके पुत्र मेघनाथ संपूर्ण देवलोक के लिए संकट बन गए हैं। आपकी सहायता के बिना इस संकट का अंत नहीं हो सकता। किंतु रावण और उसका पुत्र मेघनाथ स्वयं महादेव के परम भक्त हैं। देवलोक का संकट महादेव का भी संकट है देवी। आप तो भली भांति जानती हैं कि महादेव की आज्ञा का उल्लंघन करके ही उसने हमें बंदी बना लिया था। वो शक्ति पाने पर निरंकुश हो जाता है। इंद्र, तू यहां भी चला आया हमारे लोक में, इंद्रलोक में। देवराजेंद्र, मैं
यहाँ तुम्हारा अतिथि बनकर नहीं आया हूँ, युद्ध करने आया हूँ तुमसे। संभालो मेरे प्रहार को। मेघनाथ के प्रहार से आज तक कोई नहीं बच सका है देवराज इंद्र, तो तुम कैसे बच सकते थे? आज से ये लोक देवलोक मेघनाथ का है और देवराज इंद्र तुम मेरे बंदी हो, मेघनाथ के बंदी। इंद्रजीत मेघनाथ। आज से मैं यहाँ का राजा हूँ, मेघनाथ यहाँ का राजा है। ऐसा अपमान क्या आप पुनः देखना चाहती हैं अंबे? क्या आप हमें पुनः मेघनाथ के बंदी के रूप में देखना चाहती हैं अंबे? उस समय स्वयं प्रजापति चतुरानंद को आना पड़ा था लंका हमें मुक्त कराने के लिए। मेघनाथ, देवराज इंद्र को बंधन मुक्त कर दो। ये देवताओं के राजा हैं, वो निर्दोष हैं, और किसी निर्दोष को दंडित करना अधर्म है। क्षमा करें चतुरानंद, आपकी कृपा और मेरे पराक्रम के कारण ही मैंने इस देवराज इंद्र का अभिमान भंग किया है। अपने शौर्य अपने बल से मैंने देवेंद्र को बंदी बनाया है। हम तुम्हारे शौर्य और पराक्रम से प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा अनुसार कोई और वर मांग लो, किंतु देवराज इंद्र को बंधन मुक्त कर दो। ब्रह्मदेव, यदि आप मेरे शौर्य और पराक्रम से प्रसन्न हैं, तो मुझे वरदान दीजिए कि देवराज पर जो मैंने विजय प्राप्त की है वो संसार सदैव स्मरण रहे। मुझे वरदान दीजिए कि शत्रुओं को परास्त करने के लिए समस्त सिद्धियां मुझे प्राप्त हों। मुझे वरदान दीजिए कि संसार की कोई भी शक्ति मेघनाथ के समक्ष टिक ना सके। वरदान दीजिए ब्रह्मदेव। तथास्तु। आज से तुम इंद्रजीत के नाम से जाने जाओगे। युद्ध भूमि में तुम्हें कोई परास्त नहीं कर सकेगा, किंतु युद्ध के पूर्व तुम्हें एक यज्ञ करना होगा। उस यज्ञ की अग्नि से अश्व सहित रथ प्रकट होगा और उस रथ पर सवार होकर तुम सदैव विजयी रहोगी। ब्रह्मदेव, यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहता था कि इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी सृष्टि में कोई भी मेघनाथ को परास्त ना कर सके। किंतु एक बात का ध्यान रखना। क्या ब्रह्मदेव? यज्ञ के मध्य में यदि तुम युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करोगे तो यह तुम्हारे लिए अनर्थ होगा, तुम्हारे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। चतुरानंद की कृपा से उस समय हम बंधन मुक्त हुए थे देवी। संकट मोचन जय हनुमान। आप चिंता ना करें देवराज, आपको नाग सिद्ध तुनीर और दिव्यास्त्र अवश्य मिलेगा, जो राम के लिए सहायक सिद्ध होगा। आप धन्य हैं देवी, आप धन्य हैं। संकट
संकट मोचन जय हनुमान। किंतु मेघनाथ के समक्ष समस्त दैवी शक्तियां विवश है देवी। वो ब्रह्मा के दिए हुए उस वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। मैं आपकी भावनाएं समझ सकती हूँ देवराज, किंतु मैं इस संबंध में कुछ नहीं कर सकती। आप महादेव की प्रतीक्षा करें, वो गौरी कुट में साधना कर रहे हैं। क्षमा करें माते, ये तो आप भली भांति जानती हैं कि महादेव अपने भक्त रावण और उनके पुत्र के विरुद्ध कदाचित कोई कठोर निर्णय कभी नहीं ले सकते। यदि आपकी कृपा हो जाए तो। नंदी सत्य कह रहे हैं देवी, आपकी कृपा से श्री राम को कुमार कार्तिक के पास सुरक्षित नाग सिद्धि तुनीर दिव्य अस्त्र अगर मिल जाए तो मेघनाथ का वध अवश्य कर सकते हैं। मैं धर्म संकट में हूँ स्वामी, घोर धर्म संकट में हूँ। आपकी अनुमति के बिना मैं देवराज को तुड़ीर और दिव्यास्त्र कैसे दे सकती हूँ? उत्तर दे अम्बे, उत्तर दे। समय बहुत कम है, यदि इस समय उसका वध नहीं हुआ तो वो श्री राम की सेना का संहार कर देगा। क्या सोच रही हैं देवी? आपको उचित निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है। आप हमारी अनुमति की प्रतीक्षा कदापि ना करें। आप चिंता ना करें देवराज, आपको नाग सिद्ध तुनीर और दिव्यास्त्र अवश्य मिलेगा, जो राम के लिए सहायक सिद्ध होगा। आप धन्य हैं देवी, आप धन्य हैं। ऋचराज, ये आपको क्या हुआ? मुझे अपनी कोई चिंता नहीं है प्रभु। देवी सीता के मुक्ति यज्ञ में यदि मेरे प्राण भी चले जाए तो मैं अपना जीवन सफल समझूंगा, किंतु कुमार लक्ष्मण और हनुमान को कुछ हो गया तो? ऐसी आशंका प्रकट ना करें ऋचराज, आप तो स्वयं ब्रह्मा जी की संतान है, आप आशंकित क्यों हो रहे हैं? मेरी आशंका निराधार नहीं है श्री राम। मेघनाद आकाश में अदृश्य होकर हमारे सैनिकों का संहार कर रहा है, उसे कोई नहीं देख पा रहा है प्रभु। वो आकाश से लगातार अग्नि वर्षा कर रहा है। संकट मोचन जय हनुमान। ये कोई साधारण विमान नहीं है श्री राम, लगता है किसी देवदूत का आगमन हुआ है। किंतु हमें सावधान रहना चाहिए श्री राम, कहीं ये मायावी मेघनाथ ही तो नहीं है। सावधान, अपना परिचय दिए बिना आप अपने विमान को नीचे लेकर नहीं आ सकते। संकट मोचन जय हनुमान। Thank you.
राम अब समय नष्ट न करे, अन्यथा मेघनाद अपनी माया विशक्तियों से हमारी सारी सेना का अंत कर देगा। हनुमान और सुमित्रे के पास मेघनाद जैसी माया विशक्तियां नहीं है, वो मेघनाद का अंत कदापि नहीं कर सकते, कदापि नहीं। कोई साधारण विमान नहीं है श्री राम, लगता है किसी देवदूत का आगमन हुआ है। किंतु हमें सावधान रहना चाहिए श्री राम, कहीं ये मायावी मेघनादी तो नहीं है। सावधान, अपना परिचय दिए बिना आप अपने विमान को नीचे लेकर नहीं आ सकते। हम देवराज इंद्र हैं श्री राम, आपके शत्रु नहीं सहायक हैं। देव राजेंद्र का प्रणाम स्वीकार करें श्री राम। क्या हुआ मेरे लक्ष्मण को? किसने की ये दशा लक्ष्मण की? हनुमान, क्या हुआ लक्ष्मण को? जय हनुमान असुर निकंदन, जय हनुमान मनोजम मारुत तुल्य वेग, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।